पांवटा साहिब और हमीरपुर जिला के भोरंज में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने धरना प्रदर्शन किया। पांवटा साहिब में विश्व हिंदू परिषद ने एसडीएम कार्यालय के पास प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में बचे अल्पसंख्यक हिंदू व सिखों के विरुद्ध अत्याचारों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद धरना प्रदर्शन कर रहा है। इस दौरान विरोध स्वरूप परिषद ने वीरवार को एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को एक मांग पत्र भेजा। विश्व हिंदू परिषद विभाग के मंत्री दीपक भंडारी ने कहा कि जल्द ही भारत सरकार ने इस विषय पर कुछ नहीं किया तो विश्व हिंदू परिषद अपने स्तर पर कार्रवाई करने को मजबूर हो जाएगा। विश्व हिंदू परिषद का आज 21 तारीख को पूरे भारतवर्ष में ये आह्वान हुआ है कि जम्मू कश्मीर से लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो टारगेट किलिंग का यह नया जो एक जहाज चलाया गया है, इसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने आज संपूर्ण भारत में धरना प्रदर्शन और महामहिम राष्ट्रपति के माध्यम से राज्य सरकार प्लस केंद्र सरकार से यह आह्वान करते हुए कड़े शब्दों में कहा है कि अगर यह बहुत जल्दी ना रुका गया और केंद्र सरकार इसके ऊपर कोई कठोर कार्यवाही ना करेगी तो विश्व हिंदू परिषद को बाध्य होना पड़ेगा कि क्रिया की प्रतिक्रिया वह प्रत्येक नगर गांव और प्रांत स्तर तक करेगी, जिसके लिए अगर बाद में कुछ भी होता है तो स्थानीय प्रशासन शासन और प्रदेश और केंद्र सरकार जिम्मेवार होगी। उसके लिए विश्व हिंदू परिषद या आम हिंदू समाज का कोई भी कार्यकर्ता जिम्मेदार नहीं होगा। यही आपके माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ। सादर जय श्री राम। जो है पिछले कई दिनों से लगी है और जो है आतंकवादियों को जो है घेर घेर के मार रही है। उधर विश्व हिंदू परिषद हमीरपुर जिला इकाई ने अपने केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर भोरंज के बस्सी चौक पर आतंकवाद का पुतला फूंका और प्रदर्शन किया। इस अवसर पर प्रांत सहमंत्री पंकज भारती की उपस्थिति में जिला अध्यक्ष गुंजन गौतम ने राष्ट्रपति महोदय को एसडीएम के माध्यम से एक ज्ञापन भी प्रेषित किया। भोरंज प्रखंड के इस बस्सी चौक में उपस्थित विश्व हिंदू परिषद हमीरपुर जिला के सम्माननीय अध्यक्ष श्रीमान गुंजन गौतम जी, विश्व हिंदू परिषद बिलासपुर विभाग के धर्म प्रसार प्रमुख श्रीमान विनोद जी, जिला के उपाध्यक्ष श्रीमान कुलवंत जी, जिला महामंत्री संजय गोस्वामी जी, बजरंग दल के जिला संयोजक आदर्श जी, दुर्गा वाहिनी की जिला संयोजिका पल्लवी जी, यहाँ उपस्थित अन्य संगठनों के सम्मानित पदाधिकारी वृंद, भोरंज प्रखंड की मातृशक्ति संयोजिका अनीता जी और विद्यार्थी परिषद भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से आए हुए सभी कार्यकर्ता, आज हम जिस निमित्त यहाँ पे एकत्रित हुए हैं उसकी जानकारी तो कुछ जो जयघोष यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है उसके माध्यम से आप लोगों को पता लग ही गया होगा। पिछले लगभग 2 महीने पूर्व एक बड़ा घटनाक्रम पड़ोस के एक देश में हुआ है, जिस देश का नाम है अफगानिस्तान। वहाँ उस देश में एक सरकार बदली, वो सरकार जो चुनी हुई सरकार थी वो हटाई गई और आतंकवादियों की एक बर्बर सरकार तालिबानी सरकार वहाँ पे बनी। उस तालिबानी सरकार के बनने के पश्चात जो निकटवर्ती अन्य देश हैं जिनमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये तमाम जो मुस्लिम देश हैं इनमें हिंदू जो कि वहाँ अल्पसंख्यक के रूप में रह रहे हैं उन पे अत्याचारों की श्रृंखला बढ़ गई है। इसी घटनाक्रम में विगत सप्ताह में जब हम नवरात्रों का आयोजन कर रहे थे, अपने अपने घरों में नवदुर्गाओं को पूजन कर रहे थे, उसी समय बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदुओं की बहु बेटियों को अपमानित किया गया, उनकी हत्याएं की गई और इसके अतिरिक्त वहाँ हिंदू समाज को जितनी प्रताड़ना दी जानी थी उसका कार्य जो था वो वहाँ पे
इन मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा किया गया। ये बर्बर सोच रखने वाले जेहादी मानसिकता वाले लोग एक बार पुनः हिंदू समाज को चुनौती देते प्रतीत हो रहे हैं। उस चुनौती के समक्ष हम सबको एकजुटता के साथ खड़े होना है। आज बस्सी चौक पे जो ये धरना प्रदर्शन हम लोगों ने जिला स्तर का रखा है, इस धरना प्रदर्शन को रखने के पीछे एक मूल कारण ये भी है कि सामान्यतः ऐसे जिला स्तर के धरना प्रदर्शन जो हैं वो हमीरपुर जिला केंद्र पे किए जाते हैं, तो अक्सर ऐसे जो उपमंडल स्तर के केंद्र होते हैं वो हमसे छूट जाते हैं। जहाँ तक मेरी आवाज़ इस माइक के माध्यम से पहुँच रही है, वहाँ पर सुनने वाले सभी अपने सनातनी भाई बंधुओं से मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि बांग्लादेश की जो घटनाक्रम है वो एक ट्रेलर है। वो ट्रेलर इसलिए है कि हिंदू संगठित होकर जब इकट्ठा नहीं होता है तो वो अक्सर मार खाता है, और जो मारते हैं वो ये नहीं देखते हैं कि हिंदू किस जाति का है, किस मजहब को मानता है, किस पंथ को मानता है, हिंदू किस देवी देवता की उपासना करता है। मारने वाले ये नहीं देखते कि वो हिंदू किस राजनीतिक दल का है, भाजपा का है या कांग्रेस का है या कम्युनिस्ट है या समाजवादी पार्टी का है। वो केवल ये पूछते हैं कि हिंदू है और उसको गोली मार दी जाती है। ताज़ा उदाहरण आपके सामने कश्मीर का भी रहा है। कश्मीर में एक अध्यापिका की इसलिए गोली मारकर हत्या कर दी गई कि जब उसका आईडी कार्ड चेक किया गया तो वो हिंदू थी, वो मुसलमान नहीं थी। वो मुसलमान होती तो शायद उसकी हत्या नहीं होती, परंतु जब वो हिंदू थी और उसके साथ एक अन्य जो अध्यापक था वो भी हिंदू था, तो उनको चुनकर जो है वो वहाँ पर गोली मार दी गई। ऐसा ही घटनाक्रम बांग्लादेश में किया गया। तो मित्रों, सभी बंधुओं से मैं एक बार पुनः निवेदन करूँगा। उधर सुजानपुर नगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने भारत सरकार से निवेदन किया कि हिंदुओं को अपने देश में लाने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। नमस्कार जी, वंदे मातरम। आज विश्व हिंदू की परिषद की तरफ से आज सुजानपुर प्रशासन में एक धरना प्रदर्शन किया गया और बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, और इसका तो ये विशेष तौर पर इसलिए हुआ कि आज बांग्लादेश में जो हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है और मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, इसके उपरांत में आज हमने नारेबाजी और बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसमें सुजानपुर में गए सभी अपने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और जितने भी सुजानपुर के कार्यकर्ता थे उन्होंने भाग लिया, और हम यही चाहते हैं सरकार से कि इसके ऊपर तुरंत कोई कार्रवाई की जाए। जय श्री राम। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पांवटा साहिब से धीरज चोपड़ा, भोरंज से सतीश शर्मा और सुजानपुर से गौरव जैन की रिपोर्ट।